बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कोविड-19 से बच के घर में बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, असाइनमेंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होंगे, कि आपका फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है पाकिस्तान स्टडीज़ के। आज हम थोड़ा सा कंटेंट्स में हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स को स्टडी करना है। फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, औरंगजेब थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, औरंगजेब का अपना नुक्ता नज़र क्या था, एंड वेरी सेटअप ऑफ एनार्की, जो इब्तदाई तौर पर जो इंतशार फैला है जहांगीर औरंगजेब के वफात के बाद, वो क्या था। तो हम देखते हैं कि जो थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजिकली सिनेरियो को अकबर से औरंगजेब तक को ज़रा देखें, स्टडी करना चाहें, कि अकबर की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि उसने इंडियंस को जो पॉलिसी मेकर थे और उनके साथ उसने खून का रिश्ता कायम होना शुरू किया, यानी कि नस्ब का ताल्लुक कायम होना शुरू किया, हिंदू राजाओं के बेटों बेटियों के साथ, बहनों के साथ ब्याह किया, खुद अपने बच्चों का ब्याह किया, जहांगीर की शादी करवाई कितने हिंदू घरानों में, और उनके साथ ताउन किया, उनको अथॉरिटी दी अपने महल में, अपनी गवर्नमेंट के अंदर। जो जहांगीर था उसके दौर में चूंकि अभी इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था इन चीज़ों का, आहिस्ता आहिस्ता अगरचे शुरू हो गया था लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अकबर के मुकाबले में बेहतर था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा उसने सख्ती नहीं की थी हिंदुओं के ऊपर, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तो जब उसने अबुल फजल को कत्ल करवाया, तो जिस हिंदू के ज़रिए उसने कत्ल करवाया था, उसी हिंदू ने जहांगीर की इजाज़त से अबुल फजल के ख़जाने से जो उसको मिला था मंदिर तामीर करवाया बनारस में, और इसके बाद मुसलमानों पर एक किस्म की उनको आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गया उनको, हिंदुओं को, नॉन मुस्लिम्स को, कि वो अपने मंदिर बनाते थे, मुसलमानों को मस्जिदें कराते थे, मुसलमानों पर जुल्म सितम करते थे। तो ये इन सब सूरत हाल को देखते हुए मुजद्दद अल-थानी रहमतुल्लाह अलैह आगे आए और उन्होंने बढ़ के जहांगीर को और उसके अरकान सल्तनत को, पॉलिसी मेकर्स को समझाया कि भाई जो मुसलमानों पर जो एक साथ उनके मुसलमानों के साथ जो कोई नारवा रवैया रखा जा रहा है उसका सदवाब किया जाए, हिंदुओं को दूर रखा जाए इस चीज़ से, ये हुकूमत इस्लामी है और उस पर मुसलमानों ही का अमल दखल होना चाहिए और मुसलमानों ही के मफाद को प्रायोरिटी हासिल होनी चाहिए। जहांगीर के बाद फिर शाहजहां का दौर आया। शाहजहां की अपनी माँ भी, वालिदा उसकी भी हिंदू थी, दादी भी हिंदू थी, जो कि आई थिंक लेन पोली कहता है कि तकरीबन शाहजहां 3/4 यानी कि 3/4 हिंदू था, लेकिन उसमें इस्लामी ज़ोक और शौक इतना ज़्यादा था कि वो उसने अपने हुकूमत के अंदर तमाम मंदिरों को जो नए बन रहे थे गिरा दिया, और जो पुराने वाले मंदिर थे ना तो उनको उनकी जो है को रिकन्स्ट्रक्ट करवाया और ना ही इजाज़त दी कि नए मंदिर बन सकें, बल्कि कहा जाता है कि जो बाद में तकरीबन 76 मंदिर थे आए थे शाहजहाँ के दौर में ही, लेकिन बाद में गिरा दिए गए थे। चूँकि ये इल्म फन का बड़ा दिलदादा था, माहिर तमीरात थोड़ा पसंद करता था, इसने अपने दौर में शमताज महल बनवाया और जहांगीर का मकबरा बनवाया, तो इस तरह के जो उसे थे ना उसकी बड़ी सर्विसेज हैं इस लिहाज से कि उसने यादगार रखी है मुगलों की तमीरात के तौर पर। तो हम एक लिहाज से कह सकते हैं कि शाहजहां का जो दौर था ये एक किस्म का रिएक्शन था अगेंस्ट एंसेस्टर लीनियंसी के तहत पर। अच्छा, शाहजहां जितना इस्लामी और मजहबी था, उसका बेटा दारा शिकोह सबसे उसका एल्डर सन था, वो उतना ही ज़्यादा हिंदुओं का तरफदार था। उसने एक किस्म का रिवाइवल किया था अकबर की पॉलिसी को, और उसने जो कि अकबर ने तो नस्बी तौर पर ताल्लुकात कायम किए थे, इसने मजहबी तौर पर ताल्लुकात कायम किए और इस तरह किया कि हिंदुओं की जो बड़ी किताब है, सेक्रेड जो बुक है उपनिषद, उसका तर्जमा किया फारसी ज़ुबान में, और ये और उसमें लिखा उसके इब्तदाइये में प्रीफेस में ये लिखा कि सबसे पहली किताब जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई वो उपनिषद है, और ये कि कुरान पाक सारे का सारा उपनिषद में ही बयान किया गया है, कोई नई बात नहीं है, ये दोनों दिन एक ही हैं, असल हिंदुज़म भी एक ही है, और किताब लिखी मरजल बहरीन के नाम से, इसमें दोनों मजाहब को सच्चा कहा गया और एक ही कहा गया, कुरान पाक की तफसील जो सी थी वो एक ही तरह से लिखी गई, को हिंदुओं के साथ नज़रिए के साथ मिलाकर लिखा गया। लेकिन चूँकि और ऊपर से इसकी एक दूसरी साथ ये भी थी कि इसका एक जो
मुल्हिदाना जो रवैया था, नॉन रिलीजियस जो बिहेवियर था, और हिंदुओं की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव था, रुझान था, तो जो उस दौर के उलमाए कराम थे वो इसके हक़ में नहीं थे, उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। और फिर जाहिर बात है उलमा के दौर में और सूफिया के दौर में ज़्यादातर जो मुरीद होते थे वो भी अपने पीर मुर्शिद ही की बात को फॉलो करते थे, लिहाजा वो भी इसको अच्छा नहीं समझते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि शाहजहां ने दारा अशरफ को कंधार की तरफ रवाना किया जंग के लिए, लेकिन ये वहाँ से नाकाम लौटा। तो बजाय इसके कि शाहजहां इसको इसके साथ ज़रा सख्ती बरतता, उसने इसकी तरफ और जो थी ना नज़र करम करना शुरू कर दिया, इसको और अथॉरिटी दे दी, जिसकी वजह से लोगों में भी एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना, इंतशार करना शुरू हो गया। वो शाहजहां के इस फैसले को पसंद नहीं थे करते, क्योंकि आपको पता ही है कि नेचुरल फिनोमेना है कि एल्डर चाइल्ड्स और जो यंगर चाइल्ड होते हैं ये ज़्यादा ही बिलव्ड होते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि ये सबसे बड़ा था, लिहाजा इसको अकबर शाहजहां ज़्यादा ही पसंद करता था। वो चाहता था कि मेरे बाद बादशाह जो उनसी है, हुकूमत उनसी है, वो इसको मिले। जबकि जो दूसरे बच्चे थे, जैसे शहजादा शुजा था या शहजादा मुराद बख्श था या औरंगजेब था, वो इसको ज़्यादा इतना पसंद नहीं करते थे। खासतौर पर औरंगजेब दूसरा था, वो तो ज़्यादा मजहबी था और जिसे कहते हैं ना प्योर इस्लामिक टच था उसके अंदर, वो तो ज़्यादा इस पर सख्ती करता था, लेकिन जो शाहजहां था वो औरंगजेब को पसंद नहीं था करता। लिहाज इसी तरह दूसरे, जब शाहजहां बीमार हुआ और दारा शिकोह ने उसकी बीमारी की खबर को छुपाना चाहा, और जो भाइयों के जो वकील थे उनको भी कैद कर दिया, पाबंदी लगा दी, रस्ते में रोक दिए कि कोई आए ना जाए, ना खबर लेके जाए इधर उधर, तो इस वजह से मुराद बख्श के कहने पर शुजा और औरंगजेब को उसने अपने साथ लाने की कोशिश की, क्योंकि दारा शिकोह शुजा के खिलाफ जंग करने जा रहा था ताकि उसको कैद किया जा सके या पकड़ा जा सके या उससे हुकूमत दी जा सके और उसकी अथॉरिटी बन जाए। लेकिन औरंगजेब की फैसले में तो दारा शुजा शहजादा को शिकस्त हुई, लेकिन बाद में औरंगजेब की वजह से दारा शिकोह कैद हुआ और कत्ल हो गया, और उसके बाद वो जो दारा मुराद बख्श और शुजा थे शहजादा, ये दोनों मिलकर औरंगजेब ही के खिलाफ हो गए। और आखिरकार जो था तनाजा इल्तिका के तहत, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट के तहत, औरंगजेब की किस्मत अच्छी थी, ये बच गया और वो दोनों जो थे वो कत्ल कर दिए गए, करवा दिए गए। और फिर जो था और शाहजहां को भी कैद करवा दिया उसने, लेकिन उसने बाप की इज्जत बड़ी की, उसको तो अदब तरीके से रहता और उसके साथ उसका ख्याल रखता और उसको समझाता कि दारा शिकोह के जो नज़रियात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं यहाँ पर मुसलमानों के लिए, ख़ासतौर पर मुस्लिम स्टेट के लिए, मुगल ख़ानदान के लिए, कि अगर वो ज़्यादा ही करेंगे, सपोर्ट करेगा हिंदुओं को, तो फिर आखिरकार हिंदुओं ही के हाथ में चली जाएगी सारी की सारी हुकूमत, और जो उनसे है कि मुसलमानों की यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगी, हुकूमत रहेगी। तो एक किस्म पर ये वार बिटवीन टू थ्योरीज थी, यानी कि रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक वार थी ये। औरंगजेब की कुछ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज भी थी, जिसमें अभी आपको बताया कि उसने अपने भाइयों को कैद करवा दिया, बाप को भी कैद करवा दिया, तो ये कोई कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज नहीं है अगर हम गौर करें इसके ऊपर, तो ये उस दौर के तकाजे के ऐन मुताबिक था, क्योंकि शहजादों के लिए हुकूमत करना लाजमी था और उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जिसके ज़रिए वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर सकें। आखिर तौर में जो इलेक्शन होते हैं ना, वोट कास्ट करते हैं तो हुकूमत किसी को नहीं मिल जाती है, उस दौर में कोई चीज़ थी नहीं, ऐसे कैसे प्रोसेस नहीं था, लिहाजा उनके लिए जंग करना ही ज़रूरी था। इसीलिए वो जंग करते थे और लोगों को लोग साथ होते थे, जिसकी बिना पर औरंगजेब की किस्मत अच्छी थी, ये बच गया और कामयाब हो गया। इसकी वजह ये भी थी कि उलमा ने उस दौर में इसका साथ दिया था, और उसके साथ उनकी दुआएं इनके साथ थी कि अगर तुम इस्लाम के खातिर लड़ रहे हो फिर हम तुम्हारे साथ हैं। और ज़ाहरी तौर पर औरंगजेब का मकसद ही जंग का यही था कि वो एक किस्म का जिहाद कर रहा है और अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था कि अल्लाह के दीन को अरूज हासिल हो सके यहाँ पर। इसी तरह अब हम देखें जो थ्योरी थी औरंगजेब की, वो थी कि इंसाफ दिया जाए हर एक को, इंसाफ की बात थी, और उसके बाद उसका ये था कि इस्लाम का अहया किया जाए, रिवाइवल ऑफ इस्लाम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम फैले, निचले तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक, इनके हुकुमान तक तबके तक इस्लाम की ही जो है ना अहया होना चाहिए, और जो मुसलमानों की बका होनी चाहिए यहाँ पर, मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमान ता देर जो उनसे है ना यहाँ पर काबिज रह सकें, हुकूमत कर सकें, शरीयत की बालादस्ती हो। अकबर के मुकाबले में औरंगजेब ने ये बात बड़े अच्छे तरीके से ये जान ली थी कि यहाँ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान में मिनॉरिटी की हुकूमत उसी वक्त कायम रह सकती है जब तक कि उनके पास जो खुद मुख्तार जो जिसकी हुकूमत है, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, जब तक उनके पास कुव्वत है।
अगर वो उस नॉन मेजोरिटी नॉन मुस्लिम्स को दबा के रखेंगे, कुव्वत में रखे तहत कुव्वत अंडर अंडर प्रेशर रखेंगे, उस वक्त तक उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी। जबकि अकबर के यहाँ ये था कि नहीं, दोनों को मिलाए, सब लोगों को मिला कर तो एक हुकूमत कायम की जाए और लोगों की खैर ख्वाही हासिल की जाए। और सारी बात है, जब खैर ख्वाही हासिल करेंगे तो फिर जो ये तो फिर गिव एंड टेक वाले मामला हो जाता है, कुछ आप लें कुछ आप दें। लिहाजा हिंदुओं ने जो कुछ दिया और उसकी वजह से दीन इलाही कायम हुआ, और जो जो इल्हाद की उस दौर में एक हवा चली है, जो फिजा कायम हुई है, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता औरंगजेब के दौर में पीक पर पहुंच गया काम इस्लामिक रिवाइवल का, और उस दौर से जान छूट गई मुसलमानों की। इसकी एक थ्योरी ये भी थी कि वो चाहता था कि तमाम जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मिनोरिटीज हैं, उन मिनोरिटीज को इकट्ठा किया जाए इस्लामिक स्टेट के तहत, और जो उनका शरीयत के अंदर उनके साथ मामलात करने का जो असूल है उनके तहत उनको रखा जाए, और लेकिन हुकूमत मुसलमानों ही की रहे। लेकिन कुछ औरंगजेब से जो फेलियर की जो वजह बनी वो थी, वजूहत थी, कॉजेज थे, वो ये थे कि चूँकि ये शख्सी हुकूमत थी, शख्सी हुकूमत के तहत जो ये भी था कि इसके पास इमेच्योरिटी थी, इसने ज़्यादातर समझा नहीं था, इसने कोशिश की, ये जहीन तो बहुत था, इसके पास जहानत भी थी और गुर भी था, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना पोलिटिकल पोलिटिकली जो एक एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह लोगों को इकट्ठा करके हुकूमत मिनोरिटीज़ को इकट्ठा जो इस्लामिक गवर्नमेंट के तहत उनको रखा जाए, उस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा बेहतर नहीं जानता था। फिर कुछ ये भी था कि इसने तरबियत नहीं की लोगों की, इसने यही सोचा कि मैं अपने दौर में ही सब कुछ कर जाऊँ, इस्लाम पूरा फैल जाए सब कॉन्टिनेंट के अंदर और इस्लाम ही की हुकूमत हो, यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत हो, इस्लामिक गवर्नमेंट हो। वो ये ना समझ सका कि अगर सन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चलें, अपने बाद एक ऐसे कानून छोड़ जाएँ, ऐसे असूल छोड़ जाएं जिनको बाद वाले अपनाएं और अपनाने के बाद उस पर अमल करें, और ताकि जो एक इस्तेहकाम है वो और जो कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट के अंदर वो बरकरार रहे, ना कि दरमियान में कोई गैप आ सके। फिर उसकी फेलियर की वजह ये भी थी कि उसने ये समझ लिया था कि जो सियासी पता है ना, वो ही जो अकलियतें हैं उनके इतहाद को भी एक जैसे बराबरी होती हैं, हालांकि ऐसे नहीं होता। सियासी फतह का मतलब ये है कि आपके पास कुव्वत है, पावर है, अथॉरिटी है, फिर आप जो चाहें कर सकते हैं और वो मिनोरिटीज़ आपके तहत ही रहेंगी। लेकिन वो उस चीज़ को समझ ना सका और उसने दोनों को सेम ही समझा। फिर मुख्तलिफ जो दौर में जो ख़ानदान थे, फैमिलीज थी, जिनके जो राजा थे, जिनकी हुकूमतें थी, उसमें जैसे मरहटा थे या सिख थे, जाट थे, उन लोगों ने बगावत शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो एक तरफ से हटता तो दूसरी तरफ चला जाना जाता और उसको कोई सुकून नहीं था मिल रहा। फिर इसके बाद जो एक किस्म की अनार्की फैली है बहुत ज़्यादा जल्दी से, उसकी एक वजह ये भी थी कि ये वो दौर था जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी बिना पर लोग वहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों में, जहाँ जो पीसफुल एनवायरनमेंट था, जहाँ पर उनका अवेलेबल हो रहा था, वो वहाँ जा रहे थे। और बहुत से लोग फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आए, तो वो यहाँ आए तो अपने साथ वहाँ के कॉन्सेप्ट लाए, जिसकी बिना पर लोगों ने अपने जो एक हमारा जो एक ट्रेडिशन है उलूम की, साइंसिस की, जो बड़े बड़े हमारे जो आइमा हैं उन पर तनकीद करना शुरू कर दी कि हम खुद अपने तहत कुरान और हदीस को समझेंगे और अहकाम को मालूम करेंगे, उसके मुताबिक फैसला करेंगे, लिहाजा हमें समझने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से मसला ये बना कि जो लिटरेचर हमारा 1200 साल का था वो ख़त्म हो गया, और हमारे और जो फर्स्ट जो एरा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का, उनके दरमियान में गैप आ गया, और ये गैप इतना बड़ा था कि जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह से अकली तौर पर भी एक इंतशार फैला, माशरती तौर पर भी इंतशार फैला, मुख्तलिफ ग्रोह बन गए, और जिस वजह से उनके मुख्तलिफ अकायद होना शुरू हो गए, और पॉलिटिकल सियासी तौर पर भी अनार्की फैल गई। फिर इसका रिजल्ट क्या आया, फिर वो ये था कि जहन जो उनसे थे वो मुत्तफिक ना हो सके। जब हर एक ने अपने आप को ही इस काबिल समझा कि मैं ही हुकूमत करूंगा, जो मेरी जो बात होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, तो हर एक ने अपने आप को ही अकल कुछ समझा, और लोगों में इतफाक ख़त्म हो गया जो पहले दौर में था, जब सब लोग एक ही के तहत, जब दूसरों के तहत वो तो बड़े बड़े आइमा के तहत वो इकट्ठे थे और एक ही शख्सियत के तहत वो सारे मिलकर रहते थे, उनके मन में एक यूनिटी थी, वो ख़त्म हो गई। इसी तरह जो एक वे ऑफ लाइफ था उसमें डिसयूनिटी पैदा हो गई, इतफाक ख़त्म हो गया, इतहाद ख़त्म हो गया, हर एक को अपनी नफसी नफसी का आलम हो गया, हर कोई अपने बारे में अपने मफाद की खातिर सोचता, जो उसको बेहतर लगता वो उसके मुताबिक उन्होंने पाक और हदीस से तवील करता और अहकाम को नाफिज कर लेता अपने लिए। तो इंशाल्लाह ताला हमने थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है, ब्रीफली बयान किया गया है, हम इंशाल्लाह ताला इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ऑन द स्पॉट
क्लास में ज़रा देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।